हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शादी को अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये बांझ है, बांझ। उर्मिला जी आ गए आप। लो ये रख लो। ये क्या है? जहर। जहर? अरे भाई तुम्हारे देवर शंकर ने दिया है। मेरे देवर को घर में जहर मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई हमारे रुई और अनाज के गोदामों में चूहे बहुत हो गए हैं, उसके लिए है ये। ठीक है। और हाँ जहर बहुत असरदार है। लाओ दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। बहुत असरदार है ये जहर। कुछ ही बूंदे डाले गोदाम में और सारे के सारे चूहे मर गए। इसे संभाल कर रखना और मिला, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने मुझे ये जहर की शीशी क्यों ला कर दी थी? शायद इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती। दामुअन्ना कहाँ हो तुम? शंकर जो तुम सौदा करने के लिए गए थे उस सौदे का क्या हुआ? वो हो गया दामू भैया। हाँ। और जानते हैं वो सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। दामुअन्ना सौदेबाजी बाद में कर लेना, पहले अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाओ। अगर ये सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है तो हम उसके जरिए और भी सौदे करेंगे। जी भैया। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी पत्नी को बचाओ नहीं तो वो जहर पी लेगी। गोदामों की क्या हालत है? चूहे तो अब नहीं रहे ना। अगर हमें चूहों को हमेशा के लिए खत्म करना है तो फिर हमें गोदामों में एक बार और जहर छिड़कवानी पड़ेगी। पत्नी को बचा लो दामुअन्ना, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। भैया वो शीशी मुझे दे दीजिए, मैं आज ही गोदामों में जहर छिड़कवा देता हूँ, बाकी चूहों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शीशी? अरे हाँ वो तुम्हारी भाभी के पास है, मैं लाता हूँ। ये
तुम क्या करने जा रही थी उर्मिला? वो दवाई नहीं है भाभी, अरे वो जहर है, जहर। मैं जानती हूँ। जानते हुए भी तुम जहर खाना चाहती हो? क्यों क्यों भाभी क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी आप ये पाप क्यों करना चाहती हैं? मैं तुम्हारे भैया को एक बच्चा तक नहीं दे सकी। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। बांझू मेरी गोद भराई की रस्म कभी नहीं होगी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? खत्म कर दूंगी मैं अपनी जिंदगी, इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। आप मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। उर्मिला भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बहुत दयालु है, वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है, फिर भी अगर तुम जहर पीना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जहर पिएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता।